ओके फ्रेंड्स, सो नाउ यू टेक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ए, अभी अपना सेल्स हो गया, अपना मार्जिन हो गया, अपना लेबर हो गया, मटेरियल हो गया, अपना लेबर हो गया. नाउ यू टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इज ए वेरिएबल ओवरहेड. तो आप जरा लिखिए प्लीज, एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. 11.26 पेज नंबर 11.26 पे मैंने आपको लिख के भी दिया है, एनालिसिस ऑफ वेरिएबल ओवरहेड इज ऑल्सो बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. मतलब वेरिएबल ओवरहेड भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. अगर प्रोडक्शन होगा तो खर्चा होगा, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो खर्चा नहीं होगा. देखिए जरा ना, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 11.26, क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 11.26, XYZ Limited has established the following standard of variable factory overhead. XYZ has established the following standards for variable overhead. Standard hours per unit is 6. Variable overhead rate per hour is rupees 2. Actual data for the month is as follows. Actual variable overhead 2 lakhs. Actual output in units 20,000. Actual hours worked 1,12,000. Calculate variable overhead total variance, variable overhead expenditure variance and variable overhead efficiency variance. Okay, so dekho jara. It means this is your step number one. Tabular form, variable overhead always based on actual production of 20,000 units. It means standard and actual hours, rate, amount, hours, rate and amount. Now one unit is required 6 hours. Standard hours per unit is 6. It means 20,000 into 6 will be 1,20,000. Rate per hour is 2 into 2 is 2,40,000. Now actual hours worked is 1,12,000 and actual overhead is 2 lakhs. It means 2 lakhs divided by 1,12,000 is 1.7857. Say yes or no. First, variable overhead cost variance. Kya cost socha tha? 2,40,000 क्या कॉस्ट आ रहा है? 2 lakhs कितने का प्रॉफिट होगा? 40,000 फेवरेबल. वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंस और वॉल्यूम वेरिएंस. ओके, दिस इज 1,20,000 आवर्स, उसके सामने 1,12,000 इंटू 2, दिस इज 16,000 फेवरेबल. ने 2 रुपीज, उसके सामने 1.7857 इंटू 1,12,000. इट मीन्स 2 लेस 1.7857 इंटू 1,12,000 इज 24,000 and favorable. Yes or no? Material, labor, variable overhead always based on actual production. Variable overhead always based on actual production. My actual production is 20,000 units. 20,000 units. One unit is required 6 hours. At the rate of 2, this comes to 240. Actual hours 1,12,000. This is so variable cost apna 240 tha. Actual cost, it means 40,000 favorable. 120, 1,12,000 into 2, 160, 2 की जगह इज दिस into 1,12,000, 24,500. सही है सुनो.
आपको और एक पॉइंट बहुत ही अच्छा मैं बताता हूँ, और ये एग्जाम में भी आया हुआ है सेम क्वेश्चन। ये आपको क्लियर हुआ ना फ्रेंड्स, वेरिएबल ओवरहेड। उसके बाद अपन मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस रिवर्स, जहाँ पे अपने पास वेरियंसेस दे रखे हैं, और अपने को अगर आपको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर, दिस इज योर स्टैंडर्ड रेट माइनस योर एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स इनटू एक्चुअल आवर्स। सही है सुनो फ्रेंड, एनालिसिस ऑफ मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन। ओके, अब जरा आप ध्यान रखना फ्रेंड, जैसे सपोज इफ आई एम वर्किंग इन डीकेसी, बराबर, डीकेसी इज ए ब्रांड नेम, राइट, इट्स रजिस्टर्ड, राइट, मैं डीकेसी में काम करता हूँ, डीकेसी इज ए वेल नोन इंस्टीट्यूट फॉर सपोज सीए स्टूडेंट्स, राइट। अब ये लोग बोलते हैं कि सर हम आपको एक्स रेट पर आवर देंगे, पर आपका लेक्चर है मॉर्निंग 8 to 12। अब 8 to 12 अगर मेरा लेक्चर है और एट द रेट ऑफ एक्स है, तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा, 4x, मुझे कितना अमाउंट मिल जाएगा, बोलो 4x। 8 to 12 मेरा लेक्चर है और एक्स पर आ रहा है 4x। लेकिन क्या हुआ प्रॉब्लम, कि जैसे ही मैं 8 o'clock लेक्चर लेने आया, सपोज द इलेक्ट्रिसिटी गॉन, सपोज द इलेक्ट्रिसिटी गॉन, लेक्चर हुआ मेरा 8:30 to 12, इट मीन्स 3.5 आवर्स। अब ये लोग मुझे जो पे करेंगे, मैं तो बोलूंगा भाई मैं तो अवेलेबल हूं। बहुत प्यार से, बहुत कंसेप्चुअली समझिए, जब तक अगर आप इसको प्रॉपरली नहीं समझेंगे, कॉस्टिंग, कॉस्टिंग इज नॉट ए लॉ। यहाँ पे कोई आपको प्रोविजन नहीं याद करना है, कोई सेक्शन नहीं याद करना है आपको, राइट, आपको लॉजिक को समझना है कि भाई 8 to 12 ऐसा क्यों, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपका काम तमाम हो जाएगा, एकदम सिंपल आपको हो जाएगा। 8 to 12 का आपका लेक्चर है, एक्स के हिसाब से इट मीन्स 4x आप पे करोगे, बराबर, क्योंकि मैं तो आ गया 8 o'clock। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपको कितने का लगेगा, ओनली 3.5 आवर्स। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो 0.5 आवर्स हुआ है, दिस इज ए एबनॉर्मल आइडियल टाइम, एबनॉर्मल आइडियल टाइम। बहुत ध्यान से एक एक चीज को आप समझिए, एबनॉर्मल आइडल टाइम, इट मीन्स मेरा लेक्चर था 8 to 12 का, मैं 8 o'clock आ गया, मुझे तो एक्स के हिसाब से 4x मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आई 8:30 को, तो जो एसी का यूज होगा, जो वेरिएबल ओवरहेड होगा, वो कितने का यूज होगा, 3.5। तो अगर क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि देर इज एबनॉर्मल आइडल टाइम, तो आपका ओवरहेड कितने पे लगेगा, 3.5 आवर्स, कितने पे लगेगा, 3.5 आवर्स पे। और अगर ये नहीं दिया होता एबनॉर्मल टाइम, तो अगर 4 घंटे का लेक्चर है तो 4 घंटे एसी चलेगा, तो देन देर इज नो प्रॉब्लम। तो नॉर्मली आपका जो वेरिएबल ओवरहेड होता है, इट्स ऑलवेज बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। नॉर्मली आपका जो वेरिएबल ओवरहेड रहेगा, वो किसके ऊपर बेस करेगा, वो बेस करेगा आपको आवर्स के ऊपर, बराबर, वो किसके ऊपर आपको बेस करेगा, बोलो, आपको बेस करेगा आवर्स के ऊपर। लेकिन कभी कभी क्या रहता है कि आपको अगर एबनॉर्मल आइडल टाइम है, तो उतना आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो जरा आप देखिए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड योर पेज नंबर 11.27। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 11.27। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुरु एंटरप्राइजेस विच इज यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ये आपके पास एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्चुअल आउटपुट 9,000 यूनिट्स, डायरेक्ट वेजेस 1,10,000 एट द रेट ऑफ 22, आउट ऑफ विच 5,000 आवर्स बींग आइडियल टाइम बट नॉट रिकॉर्डेड इन प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड आवर्स 10 आवर्स पर यूनिट, लेबर एफिशियंसी वेरियंस, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड 150 रुपीज पर यूनिट, प्लीज अंडरलाइन दैट, पर यूनिट। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड 16 लैक्स। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट आइडल टाइम वेरियंस, टोटल वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस। इसका मतलब इसमें दो टेबल आपके बनेंगे, एक टेबल आपका किसके लिए बनेगा, वेरिएबल ओवरहेड के लिए बनेगा, और दूसरा टेबल आपका किसके लिए बनेगा, लेबर के लिए बनेगा। ठीक है, तो आप जरा देखिए, दिस इज योर स्टेप नंबर 1,
लेबर वेरियंस बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन. व्हाट इज द एक्चुअल प्रोडक्शन? इज 9000 यूनिट्स. पहले हमेशा कभी भी मिसिंग फिगर के क्वेश्चन से, तो पहले आप सारी इंफॉर्मेशन को, अब देखो अब आपको मजा आएगा, अब एग्जामिनर को भी मजा आएगा. एग्जामिनर अपनी वाइफ को फोन करके बोलेगा, आई वांटेड टू गिव यू ट्रीट टुडे, व्हाई, व्हाट हैपन, बट आई हैव सीन द सॉल्यूशन बुक ऑफ प्रोफेसर दानी, जिनका संसार में इतना नाम है, जिसके नाम से डीकेसी रजिस्टर्ड है. आप देख रहे हैं डीकेसी आर, आपको दिख रहा है कौशनी आर रजिस्टर्ड है. इट मीन्स स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आर्स रेट अमाउंट आर्स रेट अमाउंट वेरिएबल ओवरहेड आर्स रेट अमाउंट आर्स रेट अमाउंट. ओके देन लेबर अपन कंप्लीट कर लेते हैं, उन्होंने कम पूछा है अपने जिन लेबर कॉस्ट वेरियंस लेबर एफिशिएंसी वेरियंस लेबर आइडल टाइम वेरियंस लेबर रेट वेरियंस वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस वेरिएबल ओवरहेड. अब गो वन बाय वन, आराम से आप जरा जाइए. ओके द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ गुरु एंटरप्राइजेस व्हिच इज यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम. पहले आप पूरा सब अपना सेट, इसके बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसके बाहर कुछ, यही तो आपको फायदा दिलाएगा फ्रेंड्स. अब आपको मेरी कॉस्टिंग का लगेगा, नहीं यार रियली दानी की कॉस्टिंग करके ना क्या बोल. डायरेक्ट वेजेस पेड 1,10,000 एट द रेट ऑफ डायरेक्ट वेजेस पेड मीन्स एक्चुअल में आपने पे किया है 1,10,000 आवर्स एट द रेट ऑफ 22. 1,10,000 इंटू 22 इज 24,20,000. ओके नाउ आउट ऑफ वी 5,000 इट मीन्स इसमें से दे दीजिए एबनॉर्मल आइडियल टाइम आपका कितना है इज ए 5,000 एंड दिस कम्स टू 1,05,000. आपका जो वेरिएबल ओवरहेड लगेगा वो कितने का लगेगा, अगर ये नहीं होता 5,000 एबनॉर्मल आइडियल नहीं होता, ये आपका 1,10,000 दे रखा है उसमें से बोला है 5,000 एबनॉर्मल, इसका मतलब ये जो आपको ओवरहेड लगेगा वो 105 का लगेगा, वही जो एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया था 4 आवर्स वाला. इसका मतलब आपको ओवरहेड कितने पे लगेगा 3.5 पे, और आपको वेजेस कितना पे करना पड़ेगा, वेजेस पे करना पड़ेगा 4 आवर्स का. सही है सोनम, वेरी सिंपल तरीके से आप बात करो 22 दिस कम्स टू 24,20,000. ठीक है यहां तक अपना हो गया. अब क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट इज 10. इट मीन्स वॉट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन 9,000 यूनिट्स इन टू 10 आवर्स पर यूनिट.
So this comes to 90,000 units. Labor efficiency variance 375,000 adverse. 375,000 adverse. Okay, no problem. Standard variable overhead 150 rupees per unit. Standard variable overhead 150 rupees per unit. It means आपकी units कितनी बनी है? 9,000 into 150. 9,000 into 150 आपका क्या हो जाएगा? 13,50,000. Labor efficiency variance 375,000 adverse, right? Standard variable overhead 150 rupees per unit, 13,50,000. इसके दोनों के आर्स आपके सेम रहेंगे. मैंने आपको बताया ना, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड हमेशा सेम रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्योंकि एबनॉर्मल एडेड टाइम है इसके लिए माइनस हो जाएगा. सो 13,50,000 डिवाइडेड बाय 90,000 आपका क्या आ जाएगा? 15 रुपीस. ठीक है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड इज 16 लैक्स. इट मीन 16 लैक्स डिवाइडेड बाई 1,05,000 इज 15.23. अब यहां तक तो एटलीस्ट अपन वेरिएबल ओवरहेड तो आराम से कर सकते हैं. वेरिएबल ओवरहेड में अपने को क्या दे रखा है? इट मींस दिस इज 13,50,000 माइनस एक्चुअली 16 लैक्स. आपका क्या आ जाएगा? 1350 माइनस 1600 इज 2,50,000 एडवर्स. 1350 माइनस 16 लैक्स इज 2,50,000. अब आप आ जाइए वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस. एफिशिएंसी 90,000 माइनस 1,05,000 इनटू 15. 90,000 माइनस 1,05,000 इंटू 15 इज 2,25,000 एडवर्स. रेट वेरियंस 15 माइनस 15.23 इंटू 1,05,000. इट मीन्स 15 माइनस 15.23 इंटू 1,05,000 एंड दिस कम्स टू 25,000 एडवर्स. अगर फुल आप करके लोगे तो आपको फ्रैक्शन की वजह से थोड़ा डिफरेंस आएगा. फुल लेव इट मीन्स आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 13,50,000. एक्चुअल कॉस्ट आपका कितना है? 16 लैक्स. आपका वेरियंस कितना आ गया? ये आपका आ गया एफिशिएंसी, ये आपका आ गया ड्यू टू रेट. सही है सुना? आपका क्या आ गया? ड्यू टू रेट. सही है सुना फ्रेंड्स? अब आप आ जाइए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस. लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस क्या रहेगा फ्रेंड्स? 90,000 माइनस हम करेंगे 110. लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर बोलेगा नहीं सर, फॉर 5,000 आवर्स माई वर्कर वॉज रेडी टू वर्क. For 5,000 hours, my worker was ready to work. It means आपको क्या लेना पड़ेगा? 1,05,000. But there was no electricity into. अब अपने पास into नहीं है. तो 90,000 minus 1,05,000 difference है 15,000. तो 3,75,000 को अगर 15,000 से divide करेंगे तो क्या आएगा? 25. आपका standard rate आएगा 25. It means 90,000 आर्स माइनस 1,05,000, क्योंकि 5,000 क्या है? एबनॉर्मल. इनटू ये अपन ने 25 निकाली और ये टैली हो गया, बराबर. इट मींस इनटू 25 दिस कम्स टू 90,000 इनटू 25 इज 22,50,000. सो 22,50,000 माइनस, व्हाट इज द एक्चुअल कॉस्ट?
24, 20. So 25, 22, 50 minus 24, 20. So there is a loss of 170,000. There is a loss of 170,000 adverse. Labor idle time 5,000 hours into 25. This comes to 125,000 adverse rate. 25 minus 22 into 110. So 25 minus 22 into 110 is 330,000. Favorable. Okay. 330 favorable minus 375 adverse minus 125 adverse and मिलके आपका हो जाएगा 170,000. ये 170, ये 170 के 3 part, ये और ये variable over उसके 2 part हो गया. Exam में पूछा हुआ है same question. अब मैं आपको reverse में लेके चल रहा हूँ, मतलब जहाँ पे अपने को reverse questions में हम लोग चल रहे हैं, जहाँ पे अपने को variances दे रखे हैं, ओके, अपने को वेरियंसेस दे रखे हैं और अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को ये करना पड़ेगा फ्रेंड्स. सही है सुनो, परफेक्टली क्लियर. आपको एक एक लॉजिक, एक एक पॉइंट प्रेजेंटेशन, आप बताइए प्लीज, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए. एक एक चीज आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके, तो अब आपको मैं सिर्फ ऑल मिसिंग फिगर वाले सम्स ही आपको करवा रहा हूँ, राइट. मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन ही आपको कराए जा रहे हैं. ओके, ऑल मिसिंग फिगर जो क्वेश्चन हैं आपको वही अभी कराए जा रहे हैं. सही है सुनो फ्रेंड्स, परफेक्ट. अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14 एंड पेज नंबर 11.28. पेज नंबर 11.28, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 11.28. जेड लिमिटेड यूजेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम. जेड लिमिटेड यूजेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स सिंगल प्रोडक्ट एम. The standard cost per unit of M is as followed. Z Limited uses standard costing system in manufacturing of its single product M. The standard cost per unit of M is as follows. क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, डायरेक्ट मटेरियल ऑलराइट फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है अपने को, डायरेक्ट मटेरियल 2 मीटर्स एट द रेट ऑफ 6, डायरेक्ट लेबर 1 आवर एट द रेट ऑफ 4.4, वेरिएबल ओवरहेड 1 आवर एट द रेट ऑफ 3. ड्यूरिंग जुलाई 2004 6,000 यूनिट्स ऑफ एम वर प्रोड्यूस्ड एंड द रिलेटेड डाटा एज अंडर, राइट. 2004 जुलाई 2004 6,000 यूनिट्स ऑफ एम वर प्रोड्यूस्ड. ओके, सो प्लीज अंडरलाइन दैट एक्चुअल प्रोडक्शन इज 6,000. डायरेक्ट मटेरियल एक्वायर्ड 19,000 एट द रेट ऑफ 5.7. मैं लास्ट में आपको कराऊंगा, कोई भी नहीं कराता है, लेकिन मैं आपको कराऊंगा सिंगल प्लान पार्शियल प्लान. लास्ट में मैं आपको कराऊंगा सिंगल प्लान पार्शियल प्लान. ओके, वो आपको कराऊंगा. ओके, अब जरा राइट नाउ तो अपन ये कर रहे हैं. मटेरियल कंज्यूम्ड 12,670, डायरेक्ट लेबर मिसिंग है, रेट मिसिंग है 27,950. वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड अपने को दे रखा है 20,475. The variable overhead efficiency variance is 1,500 adverse. Variable overhead are based on direct labor hours. There was no stock of raw material in the beginning. Now you are required to compute the missing figure and work out all the relevant variances. इसका मतलब तीन यहाँ पे टेबल बनेंगे, एक टेबल मेटेरियल का, एक लेबर का और एक वेरिएबल ओवरहेड का. एक मटेरियल, एक लेबर, एक वेरिएबल ओवरहेड, तीन टेबल आपके यहाँ पे बनेंगे. तो पहले स्टेप वन वही बना लेते हैं, पहले पूरा फॉर्मेट बना लेने का, ताकि अपने को एंड में
कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप बनाइए दिस इज योर स्टेप नंबर वन। मेटेरियल वेरियंस बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन विच इज 6000 यूनिट्स, ठीक है। ये स्टैंडर्ड आपका, ये आपका फ्रेंड्स एक्चुअल, ओके। आप कैसे चाहिए अपने को, इट मींस मीटर्स रेट अमाउंट, ये मीटर्स रेट अमाउंट, मीटर्स रेट अमाउंट, लेबर लेबर वेरियंस लेबर वेरियंस इट मींस आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट, वेरिएबल ओवरहेड वेरियंस आवर्स रेट अमाउंट, आवर्स रेट अमाउंट। सही है, सुनो फ्रेंड्स, पहला है आपका मटेरियल वेरियंस, दूसरा है आपका लेबर, तीसरा है आपका वेरिएबल ओवर। इसका पूरा फॉर्मेट एक बार अपन कंप्लीट कर लेंगे तो फिर अपने को बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में। अब आप आ जाइए स्टेप नंबर टू। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, पहला आपका क्या रहेगा मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, इसके दो पार्ट, मटेरियल यूसेज वेरियंस, मटेरियल रेट वेरियंस, देन लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर और रेट वेरियंस। सही है सर। अब आप आराम से आ जाइए, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस अपने को दे रखा है इज 1500 एंड एडवर्स, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस दे रखा है। अब आप आ जाइए टेबल के ऊपर, वन यूनिट इज रिक्वायर्ड, क्या बोल रहा है अपने को फ्रेंड्स, जेड लिमिटेड यूजेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम, जेड लिमिटेड यूजेज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इट्स सिंगल प्रोडक्ट एम, द स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एम इज एज फॉलोज, एक एक यूनिट एम बनाएंगे तो उसका ये कॉस्ट है राइट, टू मीटर्स, इट मीन्स वॉट इज योर एक्चुअल प्रोडक्शन 6000, सो 6000 दिस इज योर
6000 into 2 is 12,000. Then 6000 into 1 hour is 6000, and 6000 into 1 hour is 6000. Rate per hour 3 is 18,000. This is 4.4 is 6000 into 4.4 is 26,400, and material is 6 rupees. It means this comes to 72. डायरेक्ट मटेरियल एक्वायर्ड 19,000. उसने कितना खरीदा है वो इम्पोर्टेंट, कितना एक्वायर किया वो इम्पोर्टेंट नहीं है. वो इम्पोर्टेंट रहेगा सिंगल प्लांट, लेकिन आप वहाँ पे आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है. आपको हमेशा लेना है कंज्यूम्ड 12,000 670 एट द रेट ऑफ 5.7 72,219. Then direct labor hours 27,950 and variable overhead. Direct labor hours missing है, direct rate missing है. 27,950 is a cost. 27,950 is a cost, and variable overhead का 20,475 is a cost. 27,950 and 20,475 is a cost. Yes sir. ओके तो एटलीस्ट अपन मटेरियल वाला तो पूरा अपने पास टेबल कंप्लीट है, और एक बार अपने पास टेबल रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कितना कॉस्ट आपने सोचा था 72,000, कितना कॉस्ट लगा 72,219. इतनी सपने को लॉस हो जाएगा 219 एडवर्स. देन कितने मीटर्स आपने सोचा था 12,000, कितने मीटर्स लगा 12,670. 12,000 माइनस 12,670 इंटू 12,000 माइनस 12,670 इंटू 6, इट मींस 12,670 माइनस 12,000 इंटू 6 इज 4,020 एडवर्स. रेट 6 की जगह 5.7 and actual quantity is 12,670. 6 minus 5.7 into 12,670 is 3,801 favorable. 4,020 minus 3,801 is 219 adverse. ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपका कंप्लीट हो गया, और ये टैली भी आपका हो रहा है. 4,020 एडवर्स, 3,801 फेवरेबल. 4,020 माइनस 3,801 आपका क्या हो जाएगा 219 आपका क्या हो जाएगा एडवर्स. अब आप आ जाइए लेबर पे. लेबर का कॉस्ट क्या है 26,400 minus 27,950 is 1550 is adverse. ओके 1550 is adverse. आपके कितने hours थे, it means 6000 hours, लेकिन अपने को actual hours नहीं पता है, into what is the standard rate is 4.4, फिर भी अपने को कुछ पता नहीं चल रहा है. ठीक है, अब rate में आ जाइए आप.
What is the standard rate? 4.4. It means 4.4 minus into actual hours. वो भी अपने पास नहीं है, ये आ गया. अब variable overhead में आप आ जाओ, आपका standard hours 6000, actual hours नहीं पता है, रेट अपना वेरिएबल ओवरहेड का दे रखा है 3 रुपीज. अब ये आराम से आ सकता है, ये वाला पार्ट आपका आराम से आ सकता है, ये वाला पार्ट आपका आराम से आ सकता है. क्यों? क्योंकि 1500 डिवाइडेड बाय 3, दोनों का जो डिफरेंस है वो 500 है. 500 इंटू 3 करेंगे तो 1500 डिवाइड बाई 3 इज 500. एंड बिकॉज दिस इज एडवर्स, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, 6500. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1500 डिवाइडेड बाई 3 500, और बिकॉज एडवर्स है ज्यादा है, इसका मतलब है ना 6500. सो दिस कम्स टू 6500 2475. ये आ जाएगा 2475 डिवाइडेड बाई 6500 इज 3.15. इट मीन्स 6000 माइनस ही हो गया. अब आपका रेट आ जाएगा इस 3 की जगह 3.15, इंटू एक्चुअल आर 6500. इट मीन्स 3 माइनस 3.15 इंटू 6500. 3 माइनस 3.15 इंटू 6500 विल बी 975 एडवर्स. आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, आपका टोटल क्या आना चाहिए, 2475 एडवर्स. अब आप देख लीजिए 2475 और आपका बजटेड कॉस्ट है 18000. इट मीन्स 2475 माइनस 18000 2475. सही है सुनो फ्रेंड्स, बोलिए प्रॉपर. अब जो आर्स आपके वेरिएबल ओवरहेड के रहेंगे, क्योंकि इफ देर इज नो एबनॉर्मल आइडल टाइम, मैंने अभी आपको क्या बोला था, अगर आपका एबनॉर्मल आइडल टाइम नहीं, अगर मेरा लेक्चर 8 to 12 है, अगर मेरा लेक्चर 8 to 12 है तो एसी भी 8 to 12 चलेगा. इट मीन्स 6500 आर्स यहाँ पे भी रहेंगे. ओके, तो 27950 डिवाइडेड बाई 6500 इज 4.3. ओके, तो दिस इज माइनस 4.3 इंटू 6500. 4.4 माइनस 4.3 इंटू 6500 इज 650 फेवरेबल. ओके, दिस इज 6500 इंटू 4.4. इट मीन्स 6000 माइनस 6500 इंटू 4.4 एंड दिस कम्स टू 2200 एडवर्स. सो 2200 एडवर्स माइनस 650 फेवरेबल इज टोटल 1550 एडवर्स. सही है सो नंबर्स. तो पहले जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास रहती है, यू जस्ट ट्राई टू अरेंज इनटू द टेबुलर फॉर्म. आपको क्या करना चाहिए, पहले उनको टेबुलर फॉर्म में आप अरेंज करिए, फिर आप उसको वेरियंसेस को कैलकुलेट करिए. बराबर, तो ये आपका चल रहा है वेरिएबल ओवरहेड में ऑल मिसिंग फिगर वेरियंसेस. ऑल मिसिंग फिगर वेरियंसेस, सही है सुनो, आपका क्या चल रहा है, ऑल मिसिंग फिगर वेरियंसेस. क्या चल रहा है फ्रेंड्स आपका, ऑल मिसिंग फिगर वेरियंसेस. परफेक्टली क्लियर होना, बोलिए. और आपको एक अच्छा क्वेश्चन कराता हूं, देखिए जरा अपना फ्रेंड्स. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 11.30. क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर 11.30. मिस्टर एम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. मिस्टर एम प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जेड
ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2004. मिस्टर एम प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्लीज अंडरलाइन दैट 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जेड ड्यूरिंग द मंथ. स्टैंडर्ड प्राइस पर के जी ऑफ मटेरियल 3. एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 10,000. स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आर 1600. एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर 1800. टोटल स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 8,000. स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड पर डायरेक्ट लेबर आर 1. टोटल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड 1600. एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड 1620. द मटेरियल यूसेज वेरियंस इज 600 एडवर्स एंड ओवरऑल कॉस्ट वेरियंस पर यूनिट ऑफ जेड इज 0.07 एडवर्स एज कंपेयर टू द टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जेड इज 21. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग. स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट ऑफ जेड. स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट पर आर. स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट. स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट. स्टैंडर्ड टोटल मटेरियल कॉस्ट ऑफ द आउटपुट. एक्चुअल टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द आउटपुट. मटेरियल प्राइस वेरियंस. लेबर रेट वेरियंस. लेबर एफिशिएंसी वेरियंस. वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस. इसका मतलब यहाँ पे भी आपके कितने टेबल बनेंगे फ्रेंड्स? 3 टेबल आपके बनेंगे. ओके, तो स्टेप नंबर 1. Your material variance based on actual output. And what is your actual output is 1000 units. वो आपको दे रखा है. It means स्टैंडर्ड एक्चुअल केजी रेट अमाउंट देन लेबर वेरियंस hours rate amount variable overhead variance hours rate amount hours rate सही है. सुनो फ्रेंड्स, एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं और आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरी प्रॉपरली कि अपना क्या हो रहा है करके ना आंसर. सही है. सुनो, देन योर स्टेप नंबर 2. मटेरियल कॉस्ट वेरियंस material usage variance material rate variance labor cost variance labor efficiency variance labor rate variance variable overhead cost variance variable overhead efficiency variance variable overhead expense or rate variance. Yes or no? अब आप वन बाय वन धीरे धीरे क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने पास है ना उनको लेते हुए अपन चलते हैं. बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीए फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ है. मॉड्यूल में भी दे रखा था करके ना, ओल्ड में आप देखें.
मिस्टर एम प्रोवाइड्स यू द मिस्टर एम प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू 1000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट जेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2004. स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल इज 3. एक्चुअल टोटल डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 10,000. स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर आवर्स 1600. एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स 1800. स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 8,000. स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर डायरेक्ट लेबर आवर 1. टोटल स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड 1600. एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड 1620. द मेटेरियल यूसेज वेरियंस इज 600 एडवर्स. मेटेरियल यूसेज वेरियंस इज 600 एडवर्स. द मेटेरियल यूसेज वेरियंस 600 एडवर्स एंड द ओवरऑल कॉस्ट वेरियंस पर यूनिट ऑफ जेड इज 0.07 एडवर्स एज कंपेयर टू द टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ जेड इज 21. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो आपको क्या दे रखा है, योर स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल, स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल फॉर एक्चुअल आउटपुट व्हाट आर द यूनिट्स इज 1000 इंटू 21. आपका टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा, 21,000. दिस इज योर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट. योर स्टैंडर्ड कॉस्ट टोटल, और स्टैंडर्ड कॉस्ट में आपका क्या क्या है, इट मीन्स आपके पास है मटेरियल्स, आपके पास है लेबर, और आपके पास है वेरिएबल ओवरहेड. नाउ यू गो एक्चुअल कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन. इट मींस 1000, अब आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या रहेगा, 21.07, क्योंकि बोल रहा है ना कि 0.07 वेरियंस है, वो भी एडवर्स है. इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट रहा होगा 21, एक्चुअल कॉस्ट रहा होगा 21.07, तभी तो टोटल वेरियंस आपको 07 एडवर्स आएगा. बोलो यस और नो. आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट रहा होगा, बोलो आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट रहा होगा 21, एक्चुअल कॉस्ट रहा होगा 21.07, तभी तो आएगा. इसका मतलब 21.07 इट मीन्स आपका जो टोटल कॉस्ट है वो आ जाएगा 21,070. आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट 21 है आपका, और एक्चुअल कॉस्ट आपको नहीं पता है, लेकिन दोनों का डिफरेंस आपको पता है 0.07, एंड 0.07 एडवर्स है. 0.07 आपका क्या है, एडवर्स है. 0.07 आपका क्या, एडवर्स है. इट मींस ये मटेरियल, ये लेबर, और ये वेरिएबल ओवर है. ठीक है, अब एक एक चीज करके आप देख लीजिए. ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड में आपके पास लेबर है 8,000, वेरिएबल ओवर है 1600. ये 8,000 आपके पास है, ये 1600 है स्टैंडर्ड में. ये 8,000 और ये 1600 मिलके कितना हो गया, 9,600. इसका मतलब ये जो है आपका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका क्या हो जाएगा, बोलो, मटेरियल कॉस्ट. इट मींस 21,000 माइनस 8,000 माइनस 1,600, 11,400. बैलेंसिंग फिगर 11,400. इट मींस ये आपका 11
400, सो 11 400 डिवाइडेड बाय 3 आपका क्या आ जाएगा 3800। सही है सुनो, ये आपका क्या हो जाएगा 11400। अब आप एक्चुअल में आ जाइए, एक्चुअल में आपको मटेरियल कॉस्ट 10 है, वेरिएबल ओवरहेड 1620 है, 10,000 मटेरियल कॉस्ट है, 1620 आपका ये है, इसका मतलब लेबर का कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, इट मींस ये आपका क्या हो जाएगा, ये लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगा, इट मींस 21070 माइनस 10,000 माइनस 1620 इज 9450 एंड दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर। आपका लेबर क्या हो जाएगा 9450, 9450, सो 9450 डिवाइडेड बाय योर 1800 इज 5.25, 9450 डिवाइडेड बाय 1800 आपका क्या आ जाएगा 5.25। सही है सुनो गाइस। अच्छा लेबर में आपका क्या आ जाएगा, ये 8000 है आपके पास, ये आपका 1600 है, इट मींस 8000 डिवाइडेड बाय 1600 इज 5। मींस फ्रेंड्स इससे बेस्ट प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता स्टैंडर्ड का, ये जो मैं आपको करा रहा हूं उससे बेस्ट प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता स्टैंडर्ड का, ये मेरा गारंटी है आपसे करके ना। ओके अब आप आ जाइए। अच्छा यहाँ पे 1600 है, यहाँ पे 1 रुपीज है, तो आपके आर्स क्या हो जाएंगे 1600। ये दोनों के आर्स मैंने आपको क्या बोला, अगर एबनॉर्मल एडेड टाइम नहीं है तो दोनों के आर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे 1800। इट मींस 1620 डिवाइडेड बाई 1800 एंड दिस कम्स टू 0.9। अब आप आ जाइए मटेरियल, तो पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरियंस, इट मींस 11400 माइनस 10,000 इज 1400 फेवरेबल, 11,400 माइनस 10,000 इज 1400 फेवरेबल। अब आप आ जाइए 3800, ये आपके वो दे रखा है स्टैंडर्ड 3800, एक्चुअल अपने को नहीं मालूम है, एंड इनटू 6 करेंगे, इनटू 3 करेंगे आपको क्या आएगा 600, तो 600 डिवाइडेड बाई 3 200 आपका ये क्या हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा 4000, क्योंकि 600 डिवाइड बाई 3 इज 200 एंड बिकॉज एडवर्स है तो ज्यादा रहेगा, इट मीन्स ये आपका क्या आ जाएगा 4000, और 4000 इट मीन्स 10,000 डिवाइडेड बाई 4000 आपका क्या आएगा 2.5, तो दिस कम्स टू 2.5, 3 माइनस 2.5 इंटू 4000 एंड दिस कम्स टू 2000 फेवरेबल, 2000 फेवरेबल और 600 एडवर्स मिलके क्या हो जाएगा 1400 फेवरेबल। ओके नाउ यू गो टू लेबर कॉस्ट वेरियंस, लेबर कितना है 8000 की जगह है आपका 9450, सो 9450 माइनस 8000 आपका हो जाएगा 1450 एडवर्स, आपका क्या हो जाएगा बोलो फ्रेंड्स 1450 एडवर्स। अब आप आ जाइए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, इट मींस 1600 माइनस 1800 इनटू व्हाट इज द रेट पर आवर, रेट पर आवर इज 5 इनटू 5 इनटू 5, आपका क्या हो जाएगा इट मींस 1000 एडवर्स, और ये रेट 5 की जगह आपको पे करना पड़ रहा है 5.25 into 1800। व्हेनेवर देयर इज अ क्वांटिटी पार्ट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, व्हेनेवर देयर इज अ रेट पार्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, 5 माइनस 5.25 इनटू 1800 इज 450 एडवर्स मिलके आपका क्या हो जाएगा 1450 एडवर्स। ओके नाउ यू गो टू वेरिएबल ओवरहेड, 1600 उसकी जगह आपका आ रहा है 1620, इट मींस आपका टोटल 20
एडवर्स। अब आप आ जाइए आर्स, आर्स 1600 माइनस एक्चुअल आर्स 1800 इनटू व्हाट इज द रेट पर आर इज रुपीज 1, सो दिस कम्स टू 200 एडवर्स एंड रेट 1 की जगह आपको रेट क्या आ रहा है 0.9 इंटू 1800 एंड दिस कम्स टू 185 रुपए। ओके, अब आप आ जाइए क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ये आपका हो गया आंसर नंबर ए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। देन स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट ये आपका हो गया आंसर बी। स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट इट मींस स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट अगर आपको निकालना है तो 11400 को डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे तो अपने को क्या आ जाएगा 11.4, वो आपका हो जाएगा आंसर सी। स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट इट मींस 8000 डिवाइडेड बाई 1000 अपन कर देंगे तो पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगा ए। इट मींस दिस इज योर ए आंसर, दिस इज योर बी आंसर, दिस इज योर सी आंसर, डी आंसर, दिस इज योर सी आंसर एंड दिस इज योर डी आंसर। स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड टोटल मटेरियल कॉस्ट, स्टैंडर्ड टोटल मटेरियल कॉस्ट इज 11400, ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर, ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर ई। देन एक्चुअल टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक्चुअल टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर एफ, ये आपका आंसर नंबर एफ एफ, ये आपका हो जाएगा आंसर एफ, ये आपका आंसर था। ओके, ये आपका हो जाएगा आंसर एफ। नाउ मटेरियल प्राइस वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस, मटेरियल प्राइस वेरियंस ये आपका हो जाएगा आंसर आंसर जी, आंसर जी। देन मटेरियल रेट वेरियंस एच, मटेरियल लेबर रेट वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस इज एच। लेबर एफिशिएंसी वेरियंस इज आई आई एंड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरियंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर रेट वेरियंस इज जे और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरियंस इज के, ये आपका के, ये आपका जे, ये आपका आई, ये आपका जी, सही है तो ये आपका एच हो गया, आपका परफेक्टली क्लियर हो ना, बताइए। बोलो यस फ्रेंड्स, परफेक्टली क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको, बोलो परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताइए आप मुझे। ओके, अब एक्सेप्ट अपना फिक्स्ड ओवरहेड, आपका सब कुछ बेसिक मैंने कवर करा दिया है, एक्सेप्ट आपका फिक्स्ड ओवरहेड मैंने बेसिक आपको क्लियर करा दिया। अब एक थोड़ा सा एक कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं तो एक जरा क्वेश्चन आप देख लो फिक्स्ड ओवरहेड से पहले, फिर अपन फिक्स्ड ओवरहेड पे डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 16 एंड पेज नंबर 11.32, क्वेश्चन नंबर 16 एंड पेज नंबर 11.32, अलग ही टाइप का है थोड़ा, कभी कभी क्या इंस्टीट्यूट इस टाइप के भी बॉम्ब फेंक देता है एग्जाम में तो आप जरा समझ लीजिए क्या बोल रहा है वो ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 एंड पेज नंबर 11.32, रवि रिचर्ड रहीम एंड रूप सिंह, देर आर फोर, रवि रिचर्ड रहीम एंड रूप सिंह आर रीजनल सेल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट
ऑफ सुपर परफ्यूम्स लिमिटेड, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 400 रुपीज पर यूनिट, द सेल्स कोटा एंड द स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस फॉर द ईयर आर एज अंडर। सेल्समैन रवि, रिचर्ड, रहीम एंड रूप सिंह। सेल्स कोटा है आपको, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस है। एक्चुअल डाटा फॉर द ईयर वर रवि, रिचर्ड, रहीम एंड रूप सिंह। डेज, किलोमीटर्स कवर्ड, सेल्स, सैलरी, फ्री सैंपल, पोस्टेज एंड स्टेशनरी, अदर एक्सपेंसेस। द सेल्समैन आर अलाउड कन्वेंस अलाउंस एट द रेट ऑफ 1.5 पर किलोमीटर एंड अ डेली अलाउंस ऑफ 80 रुपीज पर डे फॉर द डेज स्पेंट सेंट ऑन द फील्ड वर्क। रवि गेट्स ए कमीशन 6% ऑन सेल्स एंड अदर गिवन ए कमीशन 5% ऑन सेल्स। कॉर्पोरेट सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेज आर चार्जेबल एट द रेट ऑफ 30 पर यूनिट सोल्ड इन केस ऑफ रवि एंड रिचर्ड, 40 इन केस ऑफ रहीम एंड रूप सिंह। प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ शोइंग द सेलिंग कॉस्ट वेरियंस बाई द सेल्समैन। आपको क्या बताना है? प्रिपेयर ए शेड्यूल शोइंग द सेलिंग कॉस्ट वेरियंस बाई द, इसका मतलब व्हाट इज द स्टैंडर्ड एक्सपेंसेस फॉर एक्चुअल सेल्स माइनस व्हाट इज द एक्चुअल एक्सपेंसेस, स्टैंडर्ड एक्सपेंस फॉर एक्चुअल सेल्स माइनस एक्चुअल एक्सपेंस फॉर एक्चुअल सेल्स, देन वेरियंसेस। इट मींस स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग कॉस्ट वेरियंस, पहला आ जाएगा फ्रेंड्स आपका, दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग कॉस्ट वेरियंस। स्टेटमेंट शोइंग सेलिंग कॉस्ट वेरियंस। रवि, रिचर्ड, रहीम एंड रूप सिंह। रवि, रिचर्ड, रहीम एंड रूप सिंह, इट मीन्स स्टैंडर्ड सेलिंग एक्सपेंस फॉर एक्चुअल सेल्स, स्टैंडर्ड सेलिंग एक्सपेंस फॉर एक्चुअल सेल्स माइनस एक्चुअल सेलिंग एक्सपेंस, उसके लिए यू रिफर फॉर एक्चुअल सेल्स, इसके लिए रिफर नोट नंबर 1 और ये आपका आ जाएगा वेरियंस, ये आपका रिजल्ट। स्टैंडर्ड सेलिंग एक्सपेंस फॉर एक्चुअल माइनस एक्चुअल सेलिंग एक्सपेंस फॉर एक्चुअल, ओके। अब देखो जरा, आपका सेलिंग एक्सपेंसेज है 225, आपका सेलिंग एक्सपेंसेज है 247,500, आपका एक्सपेंसेज है 287,500, आपका एक्सपेंसेज है 225,000। नाउ दिस इज फॉर द सेल ऑफ 750,000, जबकि मेरा एक्चुअल सेल्स आ रहा है, माय एक्चुअल सेल्स इज रुपीज 8 लैक्स। टू फोर्टी सेवन फाइव हंड्रेड इज द सेल फॉर 9 लैक्स, एक्चुअल सेल्स 10 लैक्स, 18,000। 287,500 is for
11,50,000, तो 10,50 के लिए कितना? देन 225 किसके लिए है? 6 लैक्स। देन 520 के लिए कितना? 225 डिवाइडेड बाई 750 इंटू 800 इज 247,500 into 10 divided by 9 lakhs is 2,75,000. 287,500 divided by 1150 multiplied by 1050 is 262,500. 225 divided by 600 into 520 is 1,95,000. Say yes. 240, 275, 262, 500. Okay. Now you go to actual expenses, right? Now you go to actual expenses. Refer your note number one. Actual expenses के लिए friends, अपन को क्या बनाना पड़ेगा? Note number one. So this is your note number one, and note number one for actual expenses. Ravi, Richard, Rahim, and Roop Singh. Okay, go one by one. एक एक करके आप expenses ले लीजिए. सबसे पहले days on field work आप छोड़ दीजिए, kilometers का सब छोड़ दीजिए, sales salary. सैलरी कितना सैलरी है फ्रेंड्स आपका? टू टेक सैलरी कितना है आपका? से 80,000. Then you go to free samples. This is your free sample. Free samples आपके हो जाएंगे 9,000, 7,500, 5,375. 5,375 and 8,000 free sample. Then postage and stationery. Postage and stationery 8,000, 9,000, 8,000, 9,000, 10,000, 6,000. Postage and stationery, other expenses. $9,000, $5,000, $4,000, $10,000. The salesmen are allowed conveyance allowance at the rate of
1.5 पर किलोमीटर, इट मींस कन्वेंस अलाउंस, कितने किलोमीटर ट्रेवल किया है, 20,000 इंटू 1.5, देन 18,000 इंटू 1.5, देन 18,000 इंटू 1.5 एंड देन 30,000 इंटू 1.5, ये 45, ये 27, ये 27 और ये 30,000, 27, 27 and 45 पर किलोमीटर एंड डेली अलाउंस 80 रुपीज, ये डेली अलाउंस आपको मिलेगा पर किलोमीटर एंड डेली अलाउंस 80 रुपीज पर डे सेंट ऑन फील्ड वर्क. ओके, सो व्हाट आर द नंबर ऑफ डेज, 200 175, 225, 240. So we get 80 rupees per day. It means 200 into 80, 16,000. 175 into 80, 14,000. 225 into 80, 18,000. 240 into 80, 19,200. क्या हो जाएगा? 16,000, 14,000, 18,000, 19,000. 200. Now, Ravi gets a commission 6% on sales and other 5% on sales. It means sales commission. Actual sales है हमारा 8 lakhs. Actual sales है हमारा 10 lakhs. Actual sales है हमारा 10,50,000. एक्चुअल सेल्स है हमारा 5,20,000. व्हाट इज द रेट, रवि गेट्स ए कमीशन 6% ऑन सेल्स, 6% ऑन सेल्स एंड अदर गिवन ए कमीशन 5% ऑन सेल्स. Is 48,000, 50,000, 1050 into 5%, 52,500, 520 into 5%, 26,000. 48,000, 50,000, 52,500 and 26,000. Then office expense, corporate office expense, kya bol raha hai friends, corporate office expense, corporate sales office expense are chargeable at the rate of 30 rupees per unit in case of Ravi and Richard, 40 rupees in case of Rahim and Roop Singh. It means what is your sales, your sales is 8 lakhs, 8 lakhs divided by what is the selling price per unit, 400, and multiply by 30 rupees. Then what is your actual sales, 10 lakhs
डिवाइडेड बाई 400 इज द सेलिंग प्राइस, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेगा इंटू 30, देन सेल्स 10,50,000 डिवाइडेड बाई 400 और एक यूनिट कितना मिलेगा 40 रुपीज, एंड देन 520,440. So yes, no friends. It means 8 lakhs divided by 400 into 30 is 8 lakhs divided by 400 into 30. 60,000. 10 lakhs divided by 400 into 30, 75. 10,50,000 divided by 400 into 40, 1,05,000. And 5,20,000 divided by 400 into 40 is 52. Now you go to total 80,000 plus 9,000 plus 8,000 plus 9,000 plus 30,000 plus 16,000 plus 48,000 plus 60 is 2,60,000. 80,000 plus 7,500 plus 9,000 plus 5,000 plus 27 plus 14 plus 50 plus 75,275 plus 10,000 plus 4,000 plus 27,000 plus 18,000 plus 52,500 plus 105,375. Then 80,000 plus 8 plus 6 plus 10 plus 45 plus 19.2 plus 26 plus 52, 246,200. This is the actual expenses for actual sales. ये आपका क्या हो गया बोलो, actual expenses for actual sales. It means 2,60,000, then 267,500, then 301,875, then 246,200. Okay, it means 240 minus 260, there is a loss of 20,000, and we can say this is adverse variance. 20,000 adverse. Then 275 minus 267,500, 7,500 is a favorable variance. 262,500 minus 301,875, 39,375. It's adverse. 195 less 246.2, 51,200. 51,200 is adverse. तो अभी तक मैंने आपका कवर किया फ्रेंड्स, योर सेल्स, योर मार्जिन, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड, ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोडक्शन, और ये मिसलेनियस टाइप का. तो ये आपका एक पार्ट हुआ. अब अनदर पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, एंड दैट विल बी योर फिक्स्ड ओवरहेड. एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन. एनालिसिस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बजटेड प्रोडक्शन. यस ऑर नो फ्रेंड्स?